शरद पार से खबर है। इससे पहले कि मैं शेयर करूं, क्लिप रेडी होगा? हाँ। जरा चलाइए। जीजा ने एक दफा फिर कमाल कर दिया है। भारत ने मैच विन कर लिया श्रीलंका के खिलाफ। यस। ये इंडिया की टीम ना जब खेलती है ना शुरू से, तो इनका ये होता है कि ये शुरू से तेज खेलती है। तौबा, 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 कब्रिस्तान बना दिया श्रीलंका के बैट्समैनों का। क्या इंडिया ने फेंटा लगाया है, क्या इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली जीता है। लेकिन इंडिया, hats off to you, you have done a wonderful job. सर, श्रीलंका पे आज इंडिया ने बहुत बड़ा जुल्म किया है। आए हाय हाय हाय, और घंटा बजा दिया है इंडिया ने श्रीलंका का। आए हाय हाय, वो सबसे पहले मेरे घंटे के किंग पाए रहो जो बकवास करते हो कि इंडिया के पास तो बॉलिंग नहीं है। बड़े बड़े खुद को क्रिकेट का चैंपियन समझने वाले बेशरम लोग ये बातें लिख रहे थे कि यार इंडिया आज जो है वो हारेगा, जानबूझ के हारेगा। क्या मजाक लगाया भाई, अपनी कंट्री की रेपुटेशन को दांव पर क्यों लगाएंगे? क्यों ऐसा लगा है? इंडिया ने यार श्रीलंका के मुंह पर चपेट मारी है, बड़े मजे की चपेट मारी है। देखिए, भारत की तारीफ जितनी भी करें वो कम है, मगर श्रीलंका का क्या करें? गुड क्वेश्चन। तो की तरह इनको धोया है, उन्होंने श्रीलंका को समझ ही नहीं आने दी सर। उनको बताया कि सर बैटिंग करते कैसे हैं। जब भी भाई हिंदुस्तान का मैच होता है, वन साइडेड मैच होता है भाई। हाँ भाई हाँ। लेकिन इंडियन टीम इतनी कॉम्पैक्ट दिखाई दे रही है। आप टॉप से लेके नीचे तक अगर वो टीम देखेंगे, जो रिप्लेस कर रहा है वो जगह देने को तैयार नहीं है। हम नंबर वन बॉलर थे ना, लेकिन हम सोशल मीडिया और कॉपी पर नंबर वन, वो ग्राउंड में नंबर वन आज उन्होंने दिखाया, नंबर वन होते। इतनी खुशी होती है, इतना इंतजार होता है, लेकिन भाई ये 2 सेकंड में जो है वो मैच खत्म करवा देते हैं। भाई ऐसा नहीं करो यार। श्रीलंका के साथ जुल्म हुआ है, श्रीलंका के साथ अब रोल दिया है इंडिया ने। नसीम भाई, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया इस वक्त रॉकेट की तरह जो है वो कर रहा है, और लग रहा था कि ये एशिया कप का फाइनल चल रहा है। इंडिया को पकड़ना सर इस टाइम बहुत मुश्किल हो गया। इंडिया इस टाइम अपनी वर्ल्ड की बेस्ट तरीन टीम खेल रही है। आपने सुना कोई बात बोली जाती है, कोई है इस बंदे से मुकाबला कर सके? तो मुझे आज लगता है कोई भी टीम है जो वो इंडिया से मुकाबला कर सकती है। मेरे ख्याल में इंडिया की टीम ने, चाहे वो बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, दूसरी टीमों का इतना बुरा हाल किया हुआ है कि वो तो सोच ही नहीं पा रहे कि इस टीम को किसी ना किसी तरीके से हराया जाए। ये गेंद है ना, मैं चंडीगढ़ गया था, चंडीगढ़ से मेरे को मिली है, और ये वो गेंद है जिससे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होते हैं। इसके लिए मैं इस गेंद से ना, मुझे बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्रेम है। ठीक है जी। और आज तक मैंने इसको कहीं चलाई नहीं, फेंकी नहीं, गिराई नहीं, और जिसने मुझे गेंद दी है उसको मैंने प्रॉमिस किया है, आज से 10 साल बाद भी अगर आप इस गेंद को देखना चाहोगे तब भी गेंद आपको ऐसे मिलेगी, क्योंकि मैंने मेरी जिंदगी के अंदर कभी इंटरनेशनल मैच देखा नहीं है, और इंटरनेशनल गेंदें कैसी होती है वो मैंने देखी नहीं है, और ये मुझे गिफ्ट में मिली है, तो उन भाई साहब का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स। बात क्रिकेट की हो रही है तो इस गेंद के बारे में भी बताना जरूरी है, क्योंकि पिछले 4-5 वीडियो से लोग बार बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई इस गेंद का चक्कर क्या है, हर वीडियो के अंदर ये गेंद जरूर नजर आती है, इसका राज खोली है। तो आज इसका राज मैंने खोल दिया। हालांकि ये गेंद थोड़ी सी मुझे महंगी भी पड़ी। महंगी तो क्या पड़ी, चंडीगढ़ में रेड लाइट जंप हो गई है और कैमरे से चालान कट गया है, और मैं आ गया जयपुर में, मुझे पता चला 24 घंटे के बाद ये भी हुआ है। लेकिन हम तो यहाँ जमा हुए मैच के बारे में, मैच भारत जीत चुकी है और भारत को जीतना ही था। मुझे लगता कि भारत ये सीरीज 3-0 से जीतेगी, 1-0 से तो हम आगे हो गए। बात करी जाए T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद में, ये एक तरीके से ये मान लीजिए आप ये ऑफिशियली T20 मैच था। अब आप बोलोगे जिम्बाब्वे का भी तो था भाई, लेकिन वहां तो आपको पता है बी भी नहीं सी टीम गई थी, तो मैं तो भाई इसे ही पहला मैच मान रहा हूँ। बात जब क्रिकेट मैच की हुई हिंदुस्तान से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे, तो हमारा नजर बट्टू है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, उसको हर चीज में अपनी नाक घुसड़ने की आदत है, इसलिए तो ये कहावत बनी है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जीते हमें हारी श्रीलंका है, लेकिन अपने रिव्यू कौन दे रहा है, ये पाकिस्तानी। बात आई पाकिस्तानियों की, तो मैं आपको ये बता दूं हरभजन सिंह ने भी पाकिस्तानियों को तपा दिया। कैसे? हरभजन सिंह ने कहा कि जो बीसीसीआई का स्टैंड है, हम उस स्टैंड के साथ में, भारत की टीम पाकिस्तान नहीं जानी चाहिए, भारत की टीम को वहाँ पे सुरक्षा का मसला है। जरा सुनिए। देखिए, भारत क्यों जाए वहाँ, पाकिस्तान क्यों जाए भारत, क्योंकि वहाँ सेफ्टी के कंसर्न है। अगर आप देखेंगे वहाँ के खुद के उनके हालात ऐसे हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ वहाँ काम होता है, वारदात होती है, तो वहाँ पे जाना मुझे नहीं लगता है कि सुरक्षित है। और बीसीसीआई का जो स्टैंड है बिल्कुल सही है, क्योंकि सेफ्टी से ऊपर कुछ नहीं है, तो मुझे लगता है जो बिल्कुल सही स्टैंड लिया है बीसीसीआई ने, उसको मैं सपोर्ट करता हूँ। ये तो थी हरभजन की बात। हरभजन को कौन नहीं जानता, इस दुनिया में क्रिकेट से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सब हरभजन सिंह को जानते हैं। लेकिन मिर्ची किसको लगी पाकिस्तान में, तनवीर अहमद को, जिसने मुश्किल से 8 इंटरनेशनल मैच नहीं खेले होंगे। वो बंदा कहता है कि हरभजन सिंह को तमीज से बोलना चाहिए, वो बंदा हरभजन सिंह पे भड़क गया है। इन्हीं जैसे थर्ड क्लास लोगों की वजह से पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेट है वो आपस में नहीं होती, और कितने धड़ल्ले से मीडिया में आके कह रहे हैं ओ जी पाकिस्तान में इतना सब कुछ होता है। भाई हमें भी पता है तेरे मुल्क में क्या होता है, हमें भी पता है वहाँ लोगों की क्या हालात है, हमें ठीक है ना, अल्लाह का शुक्र है एक दफा तो सही पाकिस्तान,
तुझे पता जाएगा कि सिक्योरिटी, तूने कभी जिंदगी में सिक्योरिटी नहीं देखी होगी, सिक्योरिटी होती क्या। फिर भड़कना तो बनता ही है इन पाकिस्तानी होगा, बुद्धि इतनी सी इनकी। तो बिना देर के चलते पाकिस्तान और देखते हैं इन पाकिस्तानियों के रिव्यूज। चलो भाई, भारत ने मैच विन कर लिया श्रीलंका के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे? मुसलसल अनस्टॉपेबल जा रहा है। देखें सर, आपको पता ही है इंडिया जब विकेट्स के ग्राउंड के अंदर आता है तो वो जीतने के लिए आता है, और जैसे ही इंडिया के जो बल्लेबाज जब आते हैं तो वो छाते हैं। घंटा बजा दिया इंडिया ने श्रीलंका का, वो सबसे पहले मेरे घंटे के किंग्स बाहर रहो जो बकवास करते हो कि इंडिया के पास तो बॉलिंग नहीं है। यकीन जाने हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। क्रिकेट ऐसे नहीं होती, और यकीन जाने ये इंसानों के लिए कोई जिन और कोई जादू वाली चीज हो गई है, ऐसे करना बनता है। यकीन जाने अब अल्फाज नहीं है, मैं बयान नहीं कर सकता जो आज उसने कर दिया। इंडिया वर्सेज श्रीलंका मैच आज देखा, इंडिया ने श्रीलंका को बहुत बुरी शिकस्त दी और ये मैच भी अपने नाम कर लिया। इंडिया बहुत बड़ी टीम है, ठीक है, वो जाहिर है प्लानिंग के साथ खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, और पाकिस्तान को भी इससे कुछ सीखना चाहिए। पाकिस्तान जो अच्छे बैट्समैन हैं जैसे मोहम्मद रिजवान हो गया, बाबर आजम, ये यानी कि अपनी प्लानिंग के साथ खेले तो इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा। मतलब आप कह रहे हो कि इंडिया इतना अच्छा प्ले कर रही है, हमारे पाकिस्तानी टीम को उनसे सीखना चाहिए ना? जी जी इंशाल्लाह, क्योंकि वो बच्चे हैं, उन पे इतना जुल्म किया इंडिया ने यार, सब तमाम खत्म कर दिया है। लेकिन मुझे मजा आया है, बहुत अच्छा लगा है मुझे। इंडिया ने यार श्रीलंका के मुंह पे चपेट मारी है, बड़े मजे की चपेट मारी है, और मैं श्रीलंका टीम पे भी लानत भेजता हूँ। मैं इंडिया टीम इज गुड, वेल इंडिया बहुत अच्छा। मुझे वीजा नहीं मेरा, नहीं तो मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मैं आपकी खुशी में शामिल होना चाहता हूँ। असल नंबर वन इंडिया, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी और फील्डिंग में भी, वो बाप है सबके। अब पता चल गया? नहीं भी ना पता चला तो इस डंडे के ऊपर बैठो और फिर आपको पता चल जाएगा। एक दिन ना इस डंडे के ऊपर बैठ के मैच देखना तो फिर आपको पता चल जाएगा कि असल क्रिकेट कहते किसे हैं। बेटा क्रिकेट देख के क्रिकेट की समझ आ जाए ना, ये कोई हालाजी का वड़ा नहीं है। क्रिकेट देख के उसको समझना। मैंने क्रिकेट गोल के पी हुई है, मैंने क्रिकेट गोल के पी हुई है। पूरा एक मजाक ही बना, लेकिन मजाक को अपनी जगह रख के बात करें उनकी परफॉर्मेंस की, जैसे कि आज उन्होंने अपना आप दिखाया, उसके बाद आज जो श्रीलंका का हाल किया उन्होंने, मैं कहता हूँ एंड्स ऑफ टू इंडिया कि उन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक किया। यकीन जानो एंड कर दिया, कमाल कर दिया, लेवल कर दिया, ठोक दिया, अल्फाज खत्म हो जाते। हम कितने इंडियंस के लवर हों यार, यहाँ से लव खत्म हो जाते, इतने प्लेयर हैं उनके पास यार। मुझे इंडिया से एक मसला है। क्या सर, इंडिया ने बच्चों पे इतना जुल्म क्यों किया? इनका बनता है, इनको नहीं पता कि आगे बाप खड़े हुए हैं। अबू से पंगा लोगे तो ऐसे ही होगा ना, जिस चीज ने अबू को अबू से पंगा लिया उस वो जलील हुआ है। तो पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद तो ये बोल ही सकता हूँ कि गौतम गंभीर जब से हेड कोच बने हिंदुस्तान की टीम के अंदर क्या कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, कैसे इनकी अप्रोच आ रही है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन मेरे को गौतम गंभीर पे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं गौतम गंभीर जब क्रिकेट खेला करते थे तो मैं उनको बहुत नजदीक से फॉलो भी किया करता था, और अपने फेवरेट प्लेयरों में से भी एक है, क्योंकि ये बंदा देश के लिए खेलता था। कभी भी इसने अपने निजी स्कोर बढ़ाने के लिए खेल को धीमा नहीं किया। ये जैसा खेलता है, जितनी अपनी एबिलिटी से खेलता था, उसकी बात ही अलग थी। गौतम गंभीर के स्वभाव के बारे में सब जानते ही है, अग्रेशन है, और यही अग्रेशन मैं टीम इंडिया के अंदर भी देखना चाहता हूँ। आई होप आप भी देखना चाहते हो, क्योंकि आने वाले समय के अंदर चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, इन पाकिस्तानियों का मुंह काला भी करना है। हालांकि चैंपियन ट्रॉफी के बारे में आपको बता दूं, अभी तक तो कोई भी वेन्यू फाइनल नहीं हुआ है कि भारत पाकिस्तान जाएगी या नहीं जाएगी, या फिर इंडिया के मैच दुबई में होंगे या श्रीलंका में होंगे, अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। तो इसके बारे में जितने भी वीडियो बन रहे हैं वो सब ऑलमोस्ट फेक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो श्रीलंका की आईसीसी की मीटिंग थी उसमें चैंपियन ट्रॉफी एजेंडा में ही नहीं थी। खैर चैंपियन ट्रॉफी के बारे में आपको अलग से वीडियो बना के बताऊंगा। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।